नमस्कार, मैं इंद्रजीत शर्मा हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भोजावास में हैं और भोजावास में जो दी महेंद्रगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जो है, इसकी जो शाखा है भोजावास में, आज यहां पे एक चोरी हो गई। उस चोरी की घटना का जो है हम आज पूरा आपको दिखाएंगे किस तरीके से उन्होंने किया। हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि यहाँ एक दीवार के पास में चोरों ने कुछ सामान जो है बैंक से लेकर के बाहर की तरफ घेर दिया। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा देखें, और जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि कोशिश क्या की गई है इस चोरी को करने की, तो जो मेन गेट था उसको तो बंद रखा उन्होंने, और यहां पे आकर के उन्होंने ना पहले लाइट को ऑफ किया है, तो ये लाइट के तार वार इन्होंने हटा दिए गए यहां से, और उसके बाद में वो अंदर गए हैं। अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए गेट देखिए इस बैंक का किस तरीके से जर्जर अवस्था में है। ये देखिए यहाँ से पूरा थोड़ा टूटा हुआ है, ऊपर की तरफ दीमक लगी हुई है, पूरे पे दीमक लगी हुई है, पहले से ही ये देखिए यहाँ से गिरने वाला है, ये समझो इधर से। तो प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और ये गेट तो वैसे जर्जर हो रखा है। अभी बैंक के जो ब्रांच की शाखा के जो अधिकारी हैं, मैनेजर जिनको बोलते हैं बलजीत जी, इनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, ये घटना की जानकारी आपको कहाँ और कब मिली? मेरे को सुबह लगभग 6 बजे के आसपास मेरी जो स्वीपर आती है उसने मुझे इंटीमेशन दिया था। अच्छा, भाई बैंक के अंदर का बाहर का ताला टूटा हुआ है और ताला भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद मैं तुरंत आ गया था। आने के बाद मैंने पुलिस को आते ही इन्फॉर्मेशन दी थी, पुलिस जो है ना आ गई थी, और अब उसकी जो है ना एफ आई आर लॉज के लिए कार्रवाई कर रही है। तो यहाँ से क्या पैसे भी लेके गए? नहीं, पैसे हमारा कुछ नहीं लिया गया, सिर्फ हमारा DVD, CCTV कैमरा, DVDR और चाबियाँ का गुच्छा, और एक हमारा जो ऊपर राउटर और मॉडम लगता है उस बॉक्स का सामान, और अंदर कुछ अलमारियों में से निकाला गया उसका नहीं पता, एक गन निकाली हुई गनमैन की। हाँ जी, ये चोरी हुआ है। हाँ, ये चोरी हुआ फिलहाल, इन इंटीमेशन है। बाकी हमारा जो बाथरूम भाई बनाई हुई है टेम्परेरी, उसके अंदर हमारा बैंक का एक कैलकुलेटर और एक जो है ना ये स्टाम्प पैड पड़ी हुई है। अच्छा, चाबियाँ भी ले गए और टूटा हुआ ताला भी साथ ले गए जिन्होंने ताला तोड़ा था। वो उधर साइड में जो पैक्स है वहाँ भी उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश करी थी, वो ताला नहीं टूट पाया उसमें। हाँ सर, बच्ची कहाँ, यहाँ पे क्या? हमारा यहाँ से CCTV कैमरा और DVDR रखे थे, जो ये तारों काट करके वो लेके चले गए यहाँ से। उसके उपरांत इन्होंने हमारी यहाँ से चाबियाँ रखी थी अलमारियों की चाबियाँ निकाली हैं, और वो चाबी भी उठा ले गए। अलमारियों के अंदर जो सामान था, एक इसके अंदर स्कैनर था, पता नहीं है कि नहीं उसके बारे में, वो तो खोलने के बाद पता चलेगा। उसके उपरांत हमारा यहाँ का जो सामान था, एक कैलकुलेटर था, एक हमारी स्टाम्प पैड थी, वो बाहर फेंक दी। बाकी ये अलमारियाँ खोली हुई हैं। उधर पल्ले कमरे के अंदर वो राउटर और मॉडम था, वो उठा ले गए, और गनमैन की गन उठा ले गए। हाँ, बाकी सामान जब आप पता चलेगा भी क्या क्या और गया है, बाकी वो पैसे हमारे कोई नहीं उठाए। अभी हमारे साथ में एडिशनल SHO सतबीर सिंह यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। हाँ सर, बताइए। हाँ जी, आज बैंक मैनेजर अपना बलजीत सिंह का टेलीफोन थाने पर प्राप्त हुआ। अब भाई इस बैंक की रात को ताला तोड़कर चोरी कर ली, तो मौके पर मुआयना हमारी LHC ने अभी मुकदमा दर्ज कर दिया है, और दर्ज करके हम अगली तफ्तीश कर रहे हैं, मौके पर टीम बुला रहे हैं। मौके पर मैं भी आ गया हूँ और अधिकारी भी आ जाएंगे। इस केस की पूरी तहकीकात करके हम आरोपी को जल्दी से जल्दी मुकदमा में गिरफ्तार करेंगे, और पुलिस जो हमारे बैंक कर्मचारी हैं इनकी इमदाद लेंगे। बैंक की हालांकि पहले खोलकर इसकी सफाई कर दी गई, फिर भी हमने अपनी टीम यहां बुला ली है मौके पर, और पूरा इसका ट्रेस करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है सर। सर, क्या क्या गायब हुआ है यहाँ से? अब यहाँ इसने जो बैंक कर्मचारी ने जो हमारे पास लिख क्या है, CCTV है, CCD है, DVD है, कैश कोई गया नहीं, वो अन्य समान दस्तावेज बताए हैं इन्होंने, पैसे कोई जाना नहीं बतलाया है, और एक जो बंदूक 12 बोर की है वो गनमैन की यहीं रखी थी, वो भी ले गई, और चीज़ें ये जो बताएंगे बाद में लिस्ट दे देंगे, जो चीज़ है वो इन्होंने लिखी है। ठीक।